हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स. देखो बेसिकली आप FCC लैटिस के अंदर हम लोग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स को यहाँ पर लोकेट करेंगे. सिंपल क्यूबिक और BCC के अंदर आपकी जो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं, ठीक, वो जनरेट नहीं होती हैं, अभी FCC और HCP के अंदर होती है. इसलिए हम लोग लोकेशन देखेंगे FCC के अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की. तो लोकेशंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपकी जो टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो जनरेट कैसे होती है. तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अगर आप एक लैटिस के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड देखो कि वो कैसे बनती है और कैसे जनरेट होती है. देखें, टेट्राहेड्रल वॉइड बनने के लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास किसी भी एक लेयर के 3 एटम्स होने चाहिए, कुछ इस तरह से. तो एक लेयर के हमने 3 एटम्स उठा लिए, इन 3 एटम्स के बीच वाले गैप के अंदर जब कोई फोर्थ एटम आएगा, ठीक है, वैसे तो फोर्थ एटम पूरा ऐसे इसको ऑक्यूपाई करेगा, ठीक, लेकिन मैं थोड़ा इसको ऊपर रख रहा हूं ताकि आप देख सके कि वॉइड कैसे फॉर्म हो रही है. तो अगली लेयर का एक एटम अगर इन 3 एटम्स के बीच के गैप में आ जाएगा, तो देखें इन तीनों नीचे वाले लेयर के एटम्स के आप सेंटर को मिलाएं तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है. और जब आप इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स को, तीनों एजेस को इसके सेंटर से मिलाएंगे तो यहां पर एक स्ट्रक्चर जनरेट होगी जो कि एक टेट्राहेड्रन से रिजेंबल कर रही है. देख, इस वॉइड का सेंटर इस टेट्राहेड्रन के सेंटर पर ही लाई करता है. अगर आप इनको कनेक्ट करें तो टेट्राहेड्रन का सेंटर बन जाएगा और इस तरह से जो वॉइड बनती है, बताओ उसे हम कौन सी वॉइड बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं. तो सबसे पहली चीज, जब 3 एटम्स के बीच के स्पेस में आप एक दूसरे लेयर के फोर्थ एटम को रखोगे तो वहां से जो वॉइड जनरेट होती है उसे हम कौन सी वॉइड बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं. हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक वॉइड इधर से बनेगी, अगर इधर से भी एक एटम आके ऑक्यूपाई करे तो एक वॉइड यहां से भी फॉर्म हो सकती है. सही है. ऐसे ही अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, कौन सी वॉइड की? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो आप देखें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होती है. बहुत ही आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी. जब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है तो एक लेयर के 3 एटम्स तो होते हैं इस तरह से, ठीक, और ये एक लेयर हो गई. इसी के ऊपर हम दूसरी लेयर अरेंज करते हैं, उसके भी हम 3 एटम्स लेते हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट अपोजिट होता है. दिख रहा है आपको, यहां पर 2 एटम्स फ्रंट में, 1 एटम बैक में है, वो उल्टा हो चुका है. यहां 1 एटम फ्रंट में और 2 एटम्स क्या है? बैक के अंदर है. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप इन तीनों एटम्स के सेंटर को मिलाएंगे और आप ऊपर वाले 3 एटम्स के सेंटर को मिलाएंगे तो देखो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं. अब आप ये ध्यान दें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने की कंडीशन ही ये है कि जो ऊपर और नीचे वाले लेयर के अंदर जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं 3-3 एटम्स को मिलाकर, उनका अपेक्स, ये अपेक्स क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. अगर दोनों के अपेक्स सेम डायरेक्शन में हुए तो वॉइड तो बनेगी लेकिन वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं होगी. तो इंपॉर्टेंट ये है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म ही तब होगी जब 3 एटम्स इस लेयर के, 3 एटम्स इस लेयर के, और उनके ट्राइंगल के अपेक्स क्या होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी जाके आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगी. और इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? देखें, यहां से आप सेंटर्स को कनेक्ट करना शुरू करें, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है एक ऑक्टाहेड्रन को रिजेंबल कर रही है, तो इसके सेंटर पर जो वॉइड बनेगी उसे हम कौन सी वॉइड बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं ना. तो सबसे पहली चीज, इस तरह से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. फर्दर आपको एक छोटी चीज ध्यान रखनी होगी एज अ फॉर्मूला कि अगर किसी लैटिस के अंदर इफ देयर आर एन एटम्स इन अ पैकिंग, मान लो आपने एक पैकिंग बनाई, एटम्स को स्टैक किया, क्लोज पैकिंग बनाई, उस क्लोज पैकिंग में इफेक्टिवली एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो देखें उसी पैकिंग के अंदर अगर आप नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालें तो वो आएंगी 2n, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी? n. तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक गिवन लैटिस के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल और कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी. इस चीज को भी हम प्रूव भी कर लेंगे जब हम FCC के अंदर किसकी बात करेंगे? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन की. फर्दर आप देखें, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनी, अगर इस टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एटम आए, भाई
इनके बीच में जो स्पेस जनरेट होगा, अगर उसमें कोई एटम आया तो वो एटम क्या कर रहा होगा, इन चारों एटम्स को टच कर रहा होगा। इसलिए ध्यान रखें, टेट्राहेड्रल वॉइड को जब भी कोई एटम ऑक्यूपाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। और क्योंकि मैं समराइज कर रहा हूं तो आपने सॉलिड स्टेट में लिमिटिंग रेडियस रेशियो जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है RC/RA की वैल्यू वो किसके इक्वल होती है, 0.225। यानी कैटायन और एनायन की साइज का रेशियो जो मिनिमम इतना होगा, ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये इस वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। कई बार आपसे पूछता है कि वॉइड को डिस्टर्ब किए बिना वो ऑक्यूपाई कर ले, तो उस केस में कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो 0.225 होना चाहिए, पढ़ा है ना। सेम ऐसे ही जब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा तो बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हाँ वेरी गुड, 6। तीन एटम्स ये और तीन एटम्स ये इनको ये टच कर रहा है। फर्दर यहां कर आप रेडियस रेशियो के लिए निकालो RC/RA, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.414। ठीक है, तो ये बात टेट्राहेड्रल और ऑक्टल वॉइड्स क्या होती हैं, कैसे बनती है और उनको ऑक्यूपाई करने वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। चलिए अब करने चलते हैं लोकेट। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि हम कैसे टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC लैटिस। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक FCC लैटिस बनाना होगा। चलिए बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना और मैं आपको बोर्ड पे ही बना के दिखा रहा हूं, एज सच मैं आपको कहीं विजुअलाइज नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि विजुअलाइजेशन में कई बार आप सोच पाते हैं कई बार नहीं सोच पाते हैं। अगर आपको पेपर पे ड्रॉ करना आता है तो आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दें, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए आपको तीन एटम्स चाहिए, ये FCC है, तो मैं सिर्फ उन्हीं एटम्स को बना रहा हूं जो मेरी वॉइड यहां पर फॉर्म करेंगे। तो आप देखें, एक एटम इस फेस के सेंटर वाला ले लो, एक एटम इस फेस के सेंटर वाला ले लो और एक एटम ये पीछे वाले फेस के सेंटर वाला ले लो, ले सकते हैं। इन तीनों को आप कनेक्ट करो तो आपको एक ट्रायंगुलर बेस बनता हुआ दिखाई देगा, और वो एटम जो इस क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, देखो ये तीनों मिलकर ये वाला स्पेस बनाएंगे, सही है, और फोर्थ एटम यहां पर आएगा। तो सेम चीज यहां पर हो रही है, ये तीनों मिलकर ट्रायंगुलर बेस बना रहे हैं और जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो आपके पास एक टेट्राहेड्रन बनेगा। अब इस टेट्राहेड्रन का सेंटर बॉडी डायगोनल पर लाई करता है, किस पर लाई करता है, बॉडी डायगोनल पर, तो यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनी। सेम ऐसे ही अगर आप इस कॉर्नर पर आओ तो देखो, इस फेस के सेंटर का एटम, इस वाले फेस के सेंटर का एटम और ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर का एटम, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे, और जब आप इस कॉर्नर वाले एटम को देखोगे तो वो इन तीनों के बीच वाले स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो देखो, यहां से भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी जो कि बॉडी डायगोनल के सेंटर पर ही होगी। तो इस तरह से एक क्यूब के बॉडी डायगोनल पर, कौन से डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल पर, एक बॉडी डायगोनल पर आपको दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखाई देंगी। कितनी दिखाई देंगी, दो टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन पता होनी चाहिए। देर आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट Each body diagonal, सही है। अब आप मुझे बताओ, इसमें नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे, हाँ 4। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स अगर 4 हैं, दैट मींस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, 2 × 4, दैट इज 8। तो देखो, हमारा फॉर्मूला वैलिडेट हो गया है। हमने भी सीखा था कि अगर एक पैकिंग के अंदर n एटम्स होते हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, 2n। बताओ FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, हाँ 4 होता है ना, तो 4 × 2 ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, आ गई ना। चलिए ऐसी बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम कैसे ढूंढेंगे, तो देखो ढूंढ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो, थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा, जो हमने ये ऑक्टल वॉइड बनाई है, जब ये इसे कंबाइन होंगे तो देखो, ये पीछे वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये ऐसे देखो ऐसा अरेंजमेंट हो रहा होगा, ये ऊपर वाला एटम और एक ये पीछे वाला एटम नीचे की तरफ जा रहा होगा इस तरह से, सही ना। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रन ऐसे बनना होगा
कि जो चार एटम्स हैं ये मिलकर ऐसे सेंटर बना रहे होंगे, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे। तो देखो इस तरह से ऑक्टाहेड्रन बन रहा है, बना ना, आठ फेसेस है इसमें, दिखाई दे रहा है आपको ये। तो हमें ऐसे नहीं देखना है, हमें ऐसे देखना है कि चार एटम्स के सेंटर से एक स्क्वायर प्लेन बनेगा, ऊपर और नीचे वाला एटम क्या बनाएगा, टोटल मिलकर एक ऑक्टाहेड्रन को फॉर्म करेगा। तो आइए एफसीसी में बात करते हैं कैसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन को देखेंगे। तो उसके लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब बनाना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से देखना, मैं फिर से सारे एटम्स नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ वो एटम्स बनाऊंगा जो यहां पर वॉइड फॉर्म कर रहे होंगे। तो आप देखें ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, ठीक, इस फेस के सेंटर वाला एटम और इस फेस के सेंटर वाला एटम, एक नीचे के फेस के सेंटर वाला एटम और सेम ऐसे ही एक ऊपर की तरफ भी फेस होगा उसका एटम। अगर आप इनको देखें तो देखें ये चारों एटम मिलकर तो क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर प्लेन होगा, और आप इनको इसके सेंटर से कनेक्ट करना शुरू करेंगे बताओ क्या आपको एक ऑक्टाहेड्रन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दे रहे ना। इस ऑक्टाहेड्रन का सेंटर कहां पर है, इस एज के सेंटर पर। देखिए जो एज का सेंटर है इस पर क्या बन गई, आपकी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। तो जैसे इस एज के सेंटर पर है ऐसे ही हर एज के सेंटर पर क्या प्रेजेंट होगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। बोलो समझ सकते हैं इस चीज को। दूसरी चीज, एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी कहां पर, ध्यान से देखें, ये एक फेस के सेंटर का एटम ये रहा, एक फेस सेंटर एटम फ्रंट में होगा इधर, एक इधर बैक में होगा, एक इस वाले फेस पर होगा और एक इस वाले फेस पर होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों एटम्स भी एक स्क्वायर प्लेन बना रहे हैं, और जब आप इनको कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो देखें फिर से आपको एक ऑक्टाहेड्रन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस बार इस ऑक्टाहेड्रन का सेंटर इस क्यूब के सेंटर पर लाई कर रहा है। तो आपके पास दो लोकेशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द सेंटर ऑफ ईच एज एंड वन एट सेंटर ऑफ क्यूब। तो आप देखिए अगर आप नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालें तो बताओ जो एज के सेंटर पर होगी वो चार क्यूब्स का पार्ट होगी, यानी कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 1/4। तो 12 एजेस और 1/4 कंट्रीब्यूशन, प्लस एक होगा सेंटर पर तो 1 × 1, बताओ कितना आ गया, 4। तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, अगर एक पैकिंग में इफेक्टिवली n एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगी। देखो एफसीसी में चार एटम्स होते हैं इफेक्टिवली, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी है, चार है, कर सकते हैं। तो ये थी आपकी लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई मेंस में या जेई एडवांस में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको लोकेशन पता है तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, वैसे हम ये चीज़ आगे सीखते हैं, लेकिन मान लो एक कैटायन इस वॉइड में आ गया, कौन से वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो बॉडी डायगोनल पूरा होता है √3 है, उसका हाफ करोगे तो √3/2 आएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर इस टेट्राहेड्रल वॉइड की इस कॉर्नर से डिस्टेंस पता करूं तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/4 होगी, कितनी होगी, √3a/4 होगी। सेम इसी तरह आप अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखें, बहुत ध्यान से देखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये एक एज है ना, तो इस एज के अलोंग ये हो गया एज, इस एज के अलोंग क्या होगा, देखो एक ये वाला आइटम होगा, एक थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, एक ये वाला आइटम होगा, एक इधर दूसरा आइटम होगा, और बीच में जो होगी, बीच में क्या होगी, आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एफसीसी के अंदर एटम्स एज के अलोंग टच नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में कौन सी वॉइड होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप देखें अगर आप इस एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस निकालें तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, a/2 के। तो मान लो यहाँ कैटायन आया तो मैं इसको रेडियस ऑफ कैटायन बोल सकता हूँ, ये एनायन है तो इसको मैं रेडियस ऑफ एनायन बोल सकता हूँ। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि RC + RA a/2 के इक्वल होगा, या फिर ट्वाइस ऑफ RC + RA किसके इक्वल होगा, a।
आप कैटायन और एनायन की रेडियस को किससे कनेक्ट कर सकते हो, एजिलेंस से। अगर कैटायन, देखो जनरली क्या होता है, जब पैकिंग बनती है तो बड़ा एनायन, विच इज जनरली एनायन, पैकिंग बनाता है और कैटायन वॉइड्स के अंदर जाता है। तो अगर कोई कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो कैटायन और एनायन की रेडियस में रिलेशन होगा, और अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो देखो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन किसकी इक्वल होगी, रूट 3/4 के इक्वल होगी। कर सकते हैं। तो ये थी लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और अब आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।